और भाइयों कैसे हो यार आप। आज अपन बात करेंगे द अल्टीमेट मेंस वार्डरोब एसेंशियल्स टॉपिक पे। सारे बेसिक इंपॉर्टेंट और सुपर स्टाइलिश कपड़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो एक लड़के के पास जरूर होने चाहिए, और आपको 100 तरीका बताऊंगा उनको पहनने का। और हाँ, वीडियो एंड तक देखना, एंड में मैं आपको 3 तगड़ी आउटफिट बताऊंगा जो इन्हीं एसेंशियल क्लोथिंग आइटम्स पे बेस्ड होंगी, जो आजकल बड़े सेलेब्स बहुत ज्यादा पहन रहे हैं। इसी वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, एक समर वेयर्स एक विंटर वेयर्स। समर वेयर्स से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट टी-शर्ट्स, ये मेरे हिसाब से सभी लड़कों का फेवरेट क्लोथिंग आइटम है, और इसमें आपको बेसिकली बस 2 कलर की टी-शर्ट्स की रिक्वायरमेंट है, जो कि है ब्लैक और व्हाइट कलर की हाफ स्लीव्स की टी-शर्ट और ब्लैक और व्हाइट कलर की फुल स्लीव्स की टी-शर्ट। दैट्स इट। पर इसमें आप मटेरियल का खास ध्यान रखें, पर आप ये टी-शर्ट्स बहुत ज्यादा कॉस्टली भी न लें। आपको ये टी-शर्ट्स जॉकी कंपनी के आराम से मिल जाएंगे। जस्ट आप मेनली ये ध्यान रखें कि आपके आर्म से और चेस्ट से वेल फिटेड हो, और आपके स्टमक के नीचे से लूज हो, और इसकी आर्म्स आपके ट्राइसेप से ऊपर आनी चाहिए, नहीं तो डिजायर्ड लुक नहीं आएगा यार। नंबर सेकंड है जीन्स। अब इसमें आपको लिटरली बस 2 कलर की जीन्स चाहिए अपनी पूरी लाइफ में, जो कि है ब्लैक जीन्स और एक ब्लू जीन्स। पर वो जीन्स डिस्ट्रेस्ड बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उनकी ब्यूटी खराब हो जाएगी और उनकी वर्सेटिलिटी भी बहुत कम हो जाएगी। अब जीन्स लेते हुए आप ज्यादा कंपनी की परवाह न करें, क्योंकि हर मॉडरेट कंपनी अच्छी क्वालिटी की ही जीन्स बनाती है, क्योंकि डेनिम मटेरियल में लफड़े का ज्यादा कोई स्कोप नहीं होता यार। इसलिए आप इसमें अफोर्डेबल जीन्स भी ट्राई कर सकते हैं। अब इसमें मेन चीज आप क्या ध्यान रखना कि आपकी जीन्स नीचे से टेपर्ड होनी चाहिए और आपकी जीन्स स्लिम फिट भी होनी चाहिए, क्योंकि स्लिम फिट का ही अभी ट्रेंड चल रहा है। पर बहुत ज्यादा स्किनी जीन्स मत पहन लेना यार, नहीं तो वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी और आप लॉन्ग टाइम के लिए उसको नहीं पहन पाओगे। अब मेंस लोअर वेयर में एक और आइटम आता है जो कि बहुत फैशनेबल और कंफर्टेबल होता है, वो है जॉगर्स या ट्रैक पैंट्स। ये बहुत कैजुअल लोअर वेयर है, इसको आप कैजुअली स्ट्रीट्स में पहनोगे, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाओगे तब पहनोगे, तो बहुत ज्यादा स्टाइलिश लगोगे, और ये जीन्स से कहीं ज्यादा कंफर्टेबल भी होता है, और ये अभी हाल फिलहाल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, तो आप इसको जल्दी से जल्दी अपनाओ। और ये मेरे साथ साथ कई सारे सेलिब्रिटीज का फेवरेट क्लोथिंग आइटम है, जैसे कि परमेश वर्मा। अब एक और लोअर वेयर की बात करते हैं, जो कि है शॉर्ट्स। ये वही क्लोथिंग आइटम है जो अपन अपने बचपन में पहना करते थे, पर थोड़ा बहुत स्टाइलिश। अब इसमें आप मेजरली ये ध्यान रखना कि आपकी शॉर्ट्स आपके नीज से थोड़ा सा ऊपर आए, पर बहुत ज्यादा ऊपर भी मत कर देना यार, नहीं तो चीप लगेगा। नंबर थर्ड, शर्ट्स। अब इसमें मेजरली आपके लिए बस 2 कलर की शर्ट सफिशिएंट है, जो कि है ब्लैक शर्ट और एक व्हाइट शर्ट। और आप समर्स में लिनन शर्ट प्रेफर करें ओवर कॉटन शर्ट, क्योंकि लिनन शर्ट बहुत ज्यादा ब्रीदेबल होती है और बहुत ज्यादा लाइट वेट होती है एज कम्पेयर टू कॉटन। अब इसमें आप एक और मेजर टाइप की शर्ट ले सकते हैं, जो कि है चेकर्ड शर्ट। पर ध्यान रखे, आपकी चेकर्ड शर्ट में जो चेक्स के कलर होंगे वो 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो बहुत ज्यादा किडिश लगेगा। अब आप इन शर्ट के कुछ रूल्स का जरूर ध्यान रखें, जो कि है आपके शर्ट की लेंथ, विड्थ और शोल्डर्स बिल्कुल आप पे एक्यूरेटली फिट होनी चाहिए, नहीं तो शर्ट पहनने का मजा नहीं आएगा यार, और आप दूसरों में एक स्टाइल स्टेटमेंट नहीं क्रिएट कर पाओगे। नंबर फोर्थ, पोलो टी-शर्ट्स। अब इसमें मेजरली आपको बस 1 कलर की पोलो चाहिए, जो कि है ब्लैक कलर की सॉलिड पोलो। और आप मेनली ये ध्यान रखें कि आपकी पोलो में बड़े बड़े लोगोस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और आपकी पोलो यार रंग बिरंगी बिल्कुल भी मत लो यार प्लीज। और आपकी पोलो का कॉलर बिल्कुल वेल इंटैक्ट होना चाहिए, और आपकी पोलो का लेंथ और शोल्डर्स बिल्कुल सही होने चाहिए आप पे, और आपके कॉलर्स फेडेड या बुचड़े बुचड़े भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि पोलो का असली ब्यूटी कॉलर से ही आती है। अब आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और इस वीडियो को लाइक दबाएं, ताकि आपके पास बेस्ट क्वालिटी वीडियोस रेगुलर बेसिस पे आते रहें और आपका स्टाइल का गेम हमेशा टॉप पे रहे। अब अपन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टाइल आइटम की बात करते हैं, जो कि है शूज। अब ब्रॉडली इसमें आपको बस 3 तरीके के मेजर शूज चाहिए, जो कि है प्योर व्हाइट स्नीकर्स, एथलीजर या स्पोर्ट शूज और फॉर्मल शूज। अब इसमें मेजरली आप ये ध्यान रखें कि आपके शूज या तो किसी डिसेंट ब्रांड के हों या फिर किसी अच्छे ब्रांड के हों, क्योंकि लोग आपको सबसे पहले आपके शूज देख के जज करते हैं, और जैसा आप जानते हैं शूज में बड़े बड़े लोगोज होते हैं, तो आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। या फिर आप सबसे बेस्ट यही प्रेफर करें कि आपके शूज में मिनिमम से मिनिमम ब्रांडिंग हो, और आप अपने शूज को वेल क्लीन्ड रखें। नंबर 6, एक्सेसरीज। ये आपके लुक को इनहेंस करने में बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे। अब इसमें आती है एक अच्छी सी सोबर सी कैप। अब जब आपके बाल आपसे सेट नहीं हो रहे होंगे या बहुत ज्यादा बड़े हो गए होंगे, तो आप
आप कैप लगा लोगे जिससे आपके बाल ढक जाएंगे और आपकी स्टाइल गेम मेंटेन रहेगी। अब एक्सेसरीज में आती है एक डिसेंट सी ब्लैक डायल की या व्हाइट डायल की अच्छी सी वॉच और एक पेयर ऑफ सनग्लासेस जो आपके फेस शेप के अकॉर्डिंग होने चाहिए। अब एक्सेसरीज पहनते समय आप एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि आप ओवर एक्सेसराइज मत करें, नहीं तो आप लिटरली बप्पी लरी लगोगे। वॉचेस में एक और चीज ध्यान रखें कि आप जब वॉच पहने तो बहुत ज्यादा बड़े डायल की वॉच ना पहने, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अनस्टाइलिश लगेगी और उसका ट्रेंड भी गया यार। अब अपन फॉर्मल क्लोथिंग की बात कर लेते हैं। अब फॉर्मल क्लोथिंग में आपको दो तरीके के चीनो पैंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि है ब्लैक कलर के चीनोस और ब्लू कलर के चीनोस। मैं आपको सिंपल ओल्ड स्कूल ट्राउजर्स भी रिकमेंड कर सकता था इनकी जगह, पर चीनोस ट्राउजर्स का ही लुक दे देते हैं पर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल और मॉडर्न डे डिजाइन में आते हैं। पर ध्यान रखें आपके चीनोस आप पे वेल फिटेड हो और ढीले ढीले बिल्कुल भी ना हो। अब अपन फॉर्मल्स की जान यानी ब्लेजर्स के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको सिंपल ब्लैक ब्लेजर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जो कि आप पे वेल फिटेड होगा। और अब ब्लेजर रेडीमेड लेने के बजाय आप यही प्रेफर करें कि आप इसको कस्टम मेड अपने बॉडी के हिसाब से सिलवाएं। अब अपन विंटर वेयर्स पे आते हैं। अब विंटर वेयर्स में आपको चाहिए होंगी सॉलिड कलर्स की हुडीज, ऑलिव ग्रीन या ब्लैक कलर की स्टाइलिश सी बॉम्बर जैकेट और अच्छे से ऑलिव ग्रीन या ग्रे कलर के स्वेटर्स। और विंटर वेयर में आप ये ध्यान रखें कि आपके कपड़ों के मटेरियल मोटे हों, उनपे हैवी ब्रांडिंग तो बिल्कुल भी ना हो और वो मोनोटोन कलर के ही हों। और आप सर्दियों में अपना लुक इनहेंस करने के लिए अपने गले में मफलर या स्कार्फ भी पहन सकते हैं और सिमिलरली आप अपने सर पे बीनी कैप्स भी जरूर पहन सकते हैं। अब मैं वादे के अकॉर्डिंग आपसे तीन सुपर स्टाइलिश सेलेब आउटफिट्स की बात करूंगा, जिसमें नंबर फर्स्ट है विराट कोहली की आउटफिट। अब इधर इन्होंने टॉप पे तो पहन रखा है एक अच्छा सा ऑलिव ग्रीन कलर का स्वेटर और लोअर वेयर में इन्होंने पहन रखे हैं डार्क ब्लू कलर के स्टाइलिश जॉगर्स और इन्होंने अपना लुक कंप्लीट किया है प्योर व्हाइट कलर के स्नीकर्स से, जब तो इनका पूरा आउटफिट कंप्लीट और तगड़ा लग रहा है। नंबर सेकंड आउटफिट पे बात करते हैं, जो कि है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के आउटफिट। अब इधर इन्होंने ब्लैक कलर की टी-शर्ट, ब्लैक कलर की स्लिम फिट जीन्स और एथलीजर स्नीकर्स से अपना पूरा लुक कंप्लीट किया है और इन्होंने एक्सेसराइज भी कर रखा है बहुत अच्छे से, जो इनकी आउटफिट को बहुत ज्यादा धांसू बना रहा है। और नंबर थर्ड और फाइनल आउटफिट है ज़ेन मलिक की आउटफिट। अब इधर ज़ेन मलिक ने क्रिस्प व्हाइट शर्ट पहन रखी है, जिसको इन्होंने चीनोस से पूरा किया है और ब्लैक कलर के फॉर्मल शूज भी पहन रखे हैं, जो बहुत ज्यादा तगड़ा लग रहा है।